जी सलाम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और हैप्पी वीकेंड। तो आज अब तो मगरिब हो चुकी है, असल में आज सोया रहा काफ़ी देर, तो सोचा आज क्या क्या किया जाए। खाना तो मैंने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज प्लान बना गया, चलो कस्टर्ड बनाते हैं। तो अभी कस्टर्ड जो है बनाया, दूध लिया, दो मग मैंने दूध लिए उस, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। दो मग जो है दूध लिया, उसको फिर हल्का सा बॉईल किया, 4 चम्मच शुगर के ऐड किया उसके अंदर, और फिर उसके अंदर कस्टर्ड डाल दिया। और मज़े की बात यह है कि मैं यहाँ पे जो कस्टर्ड जो है मैं पहले एक दफ़ा पहले बना चुका हूँ, और आज फिर मैंने एक दफ़ा बनाया है। अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसको कम्प्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर कस्टर्ड जो है मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे कस्टर्ड बनाने में। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये देखें, ये कस्टर्ड जो है ये मैं इसमें जब दूध डाल दिया था, फिर उसको पहले बॉईल किया, कस्टर्ड ऐड करने के बाद अब मैं उसको बॉईल जो है, अब इसको सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा हो गया ये, अब इसको हिलाते रहना इससे पहले कि ये और जुड़ ना जाए उसके साथ, देचकी के साथ। अब इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा फ्रूट ऐड करना है, पाइनएप्पल है इसमें मेरे पास पड़ा हुआ है, और बनाना है और एप्पल है, ये 3 चीज़ें ऐड करूँगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं एक किस्म का मैं कस्टर्ड जो है ट्रैफली बना लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा गाइस, इसको तब तक इसके अंदर चम्मच चलाना है, तब तक ये जो है ना एक गाढ़ा ना हो जाए। और अभी मैं इसे सिर्फ हिला रहा हूँ ताकि ये जो है वो बस जल्दी जल्दी से जो है इसको मैश कर रहा हूँ ताकि ये गाढ़ा हो जाए। जैसे ये गाढ़ा होगा फिर उसके बाद मैं कस्टर्ड को जो है ना कंप्लीट कर चुका हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा फ्रेंड्स, क्या हुआ कि मैं क्या किया, मैं पाइनएप्पल लेके आया, और मैंने वो मम्मी को दिखा दिया पाइनएप्पल। तो हमारे यहाँ मिलते तो हैं लेकिन बहुत कम, वहाँ पे हम जो है ना लाने पड़ते हैं। अदरवाइज मैं लेके आया पाइनएप्पल, तो मम्मी ने कहा फ्रूट पड़ा हुआ तुम्हारे पास, हाँ जी मम्मी पाइनएप्पल बहुत मीठे होते हैं, तो इसको जो है ना कस्टर्ड बनाओ और उसके अंदर ट्रफल के अंदर यूज़ करो। तो मैंने कहा मम्मी अच्छा करता हूँ। अच्छा क्या हुआ कि मुझे याद ही रहा, फ्रिज में पड़े हुए हैं, या माइस निकल गया, तो मैंने उसको वैसे ही काट के खा लिया, लेकिन वो कह रहे हैं मीठी हैं, तो मैं चलो ठीक है मम्मी खाऊंगा ट्राई करूंगा। अब मम्मी ने क्या किया, मुझे आज सुबह मुझसे पूछ रही थी ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, क्या कर रहे हो, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, तो अम्मी कहते हैं तुमने अभी तक कोई ट्रैफल नहीं बनाया। तो मैंने कहा चले जी अम्मी आज मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह। तो फिर वो भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार कस्टर्ड पड़ा हुआ है, फ्रूट पड़ा हुआ है, तो ट्रैफल बनाता हूँ एक अच्छा सा, पर इंशाल्लाह वो तुम्हें अम्मी को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं एप्पल को चॉप कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें मैंने कहा समेट लूँ साथ साथ में, और अपने शेल्फ पे असल में अम्मी को और अभी वाइफ को जब हमने देखा ही थे शॉप पर लटकाया हुआ, मैंने एक स्मॉल सी डस्टबिन बनाई हुई है मैंने यहाँ पे ही जो शेल्फ के साथ लटका देता हूँ, तो यही अम्मी यही करती हैं। और थोड़ा सा इसको शेल्फ क्लियर कर दूँ, और आप ये देखें गाइस, ये मैंने फ्रूट जो है ये काट के जो है रख दिया है, और अब मैं ये लेके आया था, ये फ्रूट केक है, यहाँ कतर में मिलता है, मिलता है वहाँ पे भी है डेफिनेटली, लेकिन मजे की बात ये है कि 1 रियाल में मिलता है, तो मैं फिर मैंने इसका तकरीबन 2 ले लिए ताकि। अच्छा ये देखिए फ्रूट केक जो मैंने लिया था, अब क्या हुआ कि ये मुझे यहाँ पे इजीली मिल गया, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चीज़ को वैसे कतर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ आप लेने जाते तो बुरी नहीं मिलती, मतलब पाकिस्तान और इंडिया में ही चीज़ अच्छी मिल जाती है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ये जो फ्रूट जो है पाइनएप्पल बनाना, ये पाइनएप्पल है, ये बनाना है, और ये साथ में एप्पल है, इसको मैंने जो है काट के बना के रख दिया है रेडी। अब मैं देखें गाइस केक के स्लाइसेस बनाऊंगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्रूट्स के बनाए थे, केक निकाल लिया मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तो वद जुदा मैनू लगदा, इश्क तेरा खुदा मैनू लगदा,
फाइनली। हाँ जी गाइस, तो सब कुछ रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से ये काट के बना के रखा हुआ है, फ्रूट केक जो है। और ये जो है इसके अंदर मैं जो है कस्टर्ड क्रीम जो है ऐड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है ना जी गाइस, कस्टर्ड जो है वो ऑलमोस्ट जो है काफ़ी थिक 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 भी हो चुका है, लेकिन ठंडा भी हो चुका है। ठंडा करना ज़रूरी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस ये देखिए फ्रूट भी ऐड हो चुका है, फ्रूट जो है वो भी रेडी हो चुका है। इसकी कटिंग कर ली थी मैंने, साथ में ये फ्रूट केक जो है ये भी, और उसके अलावा कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है। और इन सब को जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। ये पेज जो है इसके लिए मैंने जो है मुंतखब की, मैंने कहा जी ठीक है इसके अंदर जो है कस्टर्ड इजली आ जाएगा। हंसी पता किस बात पर आ रही है, कस्टर्ड जो है वो वैसे इसमें भी आ सकता था, लेकिन मैंने जो है इसको इसलिए मुंतखब किया, मैंने यार इसके अंदर जो है ना वो इजिली आ जाएगा। मैंने बड़े सजा के रखा है, मैंने मजे की बात ये बैलेंस हो जाएगा। और ये अम्मी को दिखाना है, तो अम्मी को दिखाने के लिए जो है इतना रेडी कर रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह आपको भी जरूर पसंद आएगा। और वो तो फिर मैं खा के बताऊंगा कि कैसा लगा मुझे ट्रैफिक। तो अभी आप इसके अंदर ये ऐड करता हूँ, स्टॉप करते हैं, ऐड कर लो आप। चले आए जी रेडी करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए खाने में। फिर ये बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया मैंने इसके अंदर, मैंने फ्रूट केक जो है कटिंग करके पूरा नहीं आ रहा, फिर मैंने छोटा छोटा करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये देखें, ये ऐड होने के बाद अब इसके अंदर फ्रूट ऐड करूंगा, फिर उसके ऊपर मैं जो है कस्टर्ड जो है वो डालूंगा। मैं सोच रहा था कि यार इसके अंदर ना फ्रूट डालू, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कस्टर्ड डाल दिया जाए। कस्टर्ड है थोड़ा, एक ज़्यादा नहीं बनाया मैं। एनी हाउ बिस्मिल्लाह, ये देखें अभी लग रहा है यार माशाल्लाह कस्टर्ड जो है वो इसमें हम बटर भर चुका है। बाकी अब मैं इसके ऊपर जो है अब फ्रूट ऐड करूँगा, तो ये हमारा फ्रूट टेबल बन जाएगा। अब इसके अंदर बनाना ऐड कर दूँगा। ये देखिए ये अम्मी को सेंड करना है, अम्मी को पता लगे कि हाँ भाई अब्दुल वहाब सारे काम आ गए माशाल्लाह परदेसियों को। मैं बड़े अच्छे तरीके से बिछा रहा हूं बनाना। वैसे तो ये वीडियो जो है ये अम्मी के अलावा आप लोगों के लिए भी बन रही है, आप लोग मेरे फैमिली मेंबर हैं और आप लोगों को दिखाना इससे जरूरी है कि देखें कि आपका भाई जो है कितनी मेहनत कर रहा है यहाँ पे। ये अच्छा, ये एप्पल जो है ये मैंने जो इसकी चॉप बनाई थी ना, मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा सा बिछा दूंगा, बाद में हमने ऐड कर लेना है इसको, इसकी थोड़ी सी लेनिंग हो जाएगी। पाइन एप्पल का नंबर आ गया है, पाइन एप्पल ऐड कर रहा हूँ मैं। ये देखिए इसको मैंने जो है अपनी तरह से मैंने इसको बड़ा अच्छा डेकोरेट कर दिया, रेडी कर दिया है। और अब इसको जो है मैं 20 मिनट्स के लिए जो है इसको फ्रिज के अंदर रखूँगा, और तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा खाने का मज़ा अपना है। और मज़े की बात यह है कि जो लंच में मैंने जो राइस बनाए थे वेजिटेबल राइस थे, बहुत मज़े के बने थे। और वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, और वो उसके उसकी मैं पिक जो है ऐड करूंगा, और साथ में इसकी पिक भी ऐड करूंगा इंशाल्लाह, और ये भी आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसको फ्रिज में रखे लगाऊँ, अभी इसको मैं फ्रिज में अभी रखूंगा। लेकिन इसके अलावा शाम को बाद मज़े बताऊँ मैं आपको, इसके अगर आप अम्मी जो है इसके अंदर जो है वो ऐड करती हैं काफ़ी ज़्यादा नट्स वगैरह भी, अगर आप चाहें तो इसके अंदर नट्स भी ऐड कर सकती हैं इसके ऊपर। मैं इसको तो फ्रिज में रखूँ, फ्रिज
फ्रिज के अंदर मैं ऐड कर चुका हूँ कस्टर्ड को, तो आप मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद। फाइनली खाना वाना खा लिया था रात का, डिनर कर लिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी क्या हुआ कि मेरा मुझे याद आया यार मैंने तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है कस्टर्ड, तो मैंने वो निकाल ताकि मैं आपको ट्रैफल दिखाऊँ अपना जो मेरा बना है, अभी फ्रिज से निकाल लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मज़े की बात ये ऐसे लग रहा है कि फ्रिज में रखने के बाद भी फ्रीज हो गया, क्योंकि नीचे इसके वह है केक है। अच्छा मज़े की बात ये थोड़ा सा ये हार्ड हो गया फ्रिज में, मुझे लगा यार मैंने फ्रीज़र में रखा, लेकिन रखा फ्रिज में ही था, नीचे फ्रूट केक था तो इसलिए लग रहा थोड़ा सा हार्ड हो गया, लेकिन बहुत मज़े का बना है। अभी मैं खा रहा हूँ बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह 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 माँ बहुत मज़े का बना, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह की ज़िंदगी करे। अम्मी ने जो बनाया बनाना सिखाया मुझे, इतना इंसिस्ट कर रही थी कि बनाओ बनाओ, वैसे फ्रूट नहीं खाया जाता यकीन करें अम्मी, एप्पल नहीं खाया जाता स्पेशली, तो आज वो एप्पल भी ऐड किया, उसके अंदर पाइन एप्पल भी ऐड किया, बनाना भी ऐड किया, और बहुत अच्छा बना कर सकता माशाल्लाह। तो सारे गाइस आप प्लीज़ आप भी ट्राई करें और यकीन करें बहुत मज़े का बना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अपने भाई को भी अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकअल्लाह खैर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और साथ में जो है आप काइंडली जो है मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें कि कैसा लगा। ठीक है भैया, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।